हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेफ शॉप की नई गाइडलाइन पर। सेफ शॉप कंपनी की नई गाइडलाइन के अनुसार चार्ज के बाद ईसीएस कराना अनिवार्य हो गया है। ईसीएस क्या है, ईसीएस की प्रक्रिया क्या है, ईसीएस कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, चेकबुक का ईसीएस में क्या महत्व है, यह सब जानने के लिए हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखें। ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। वास्तव में एक बैंक अकाउंट से दूसरे में पैसे भेजने का डिजिटल तरीका है। ईसीएस क्रेडिट में वास्तव में किसी संस्थान द्वारा आपके बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रकम जमा करने का तरीका है। यह आपके वेतन, निवेश से लाभांश आदि पाने का डिजिटल तरीका है। सबसे पहले आपको ईसीएस कराने के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, या प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं या लिख भी सकते हैं, जिसमें आपकी लॉगिन आईडी, नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड और ब्रांच कोड होगा, और लास्ट में सिग्नेचर होगा आपको, वो आपको करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, सबसे पहले आपको एक बैंक पासबुक की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी होगी। फिर उस कराने के लिए जो दूसरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड, इसकी भी आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी होगी। और तीसरा है पैन कार्ड, इसकी भी आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी होगी। चौथे नंबर पे आता है ओरिजिनल चेक, इसको आपको कैंसल्ड ओरिजिनल चेक लगाना होगा, जिसमें पे के नाम पर जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको अपना नाम, रुपीज़ में जितना भी अमाउंट भरना हो, और उसके बाद लास्ट में अपना साइन, और जिस फॉर्मेट जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है कैंसल्ड, उस तरीके से लाइन ड्रॉ करके और बीच में कैंसल्ड करना लिखना अनिवार्य है। इससे आपकी ये चेक इनवैलिड हो जाएगी और ये कंपनी के काम में नहीं आ सकेगी। अब बात करते हैं चेकबुक इशू कैसे होगा और ईसीएस में महत्व क्या है। तो ईसीएस कराने के लिए चेकबुक का रोल यह है कि यह आपके अकाउंट में सीधा रुपए ट्रांसफ़र करती है, और यह चेकबुक आपको बैंक से ही मिलेगी और आपके रजिस्टर्ड पते पे आएगी जब आप एप्लीकेशन बैंक में देंगे, और उसके बाद यह आपके 1 से 1.5 महीने का समय लेती है आपके घर पे आने में। तो ईसीएस कराने के लिए आपको चेकबुक अनिवार्य है, तो इसको इशू जरूर करा लें। जब ये सब डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो जाएं, तब स्पीड पोस्ट को A4 साइज के पेपर पे, A4 साइज के लिफाफे में कवर करके, स्टेपल करके, और आप कंपनी के पते पे, 2 में कंपनी का पता होगा और फ्रॉम में आपका अपना नाम और एड्रेस होगा पिन कोड के साथ, इसको पैक करके और कवर करके आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ईसीएस करने में कोई भी परेशानी हो रही है, तो हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्स ऑफ बिजनेस टिप्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे चैनल सेफ्स ऑफ बिजनेस टिप्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।